जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे रुक जाने परीक्षा जून 2023 पूरक सप्लीमेंट्री परीक्षा 2023 में कक्षा 10वीं और 12वीं में पास होने के लिए आपको प्रत्येक विषय में कितने कितने नंबर लाना होगा। दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कक्षा 10वीं की। तो कक्षा 10वीं में आपको दोनों परीक्षा में पास होने के लिए कितने कितने यहाँ पर नंबर लाना होगा, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, यदि आपका कक्षा 10वीं का पेपर पूर्णांक 75 अंकों करा तो आपको 75 में से 25 नंबर आपको लाना होगा पास होने के लिए। यदि दोस्तों आपका पेपर यहाँ पर 80 नंबर करा तो आपको 80 में से यहाँ पर 26 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। यदि दोस्तों आपका कक्षा 10वीं का पेपर पूर्णांक 100 अंकों का रहा तो आपको 100 अंकों में से 33 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कक्षा 12वीं की। तो कक्षा 12वीं में पास होने के लिए आपको प्रत्येक विषय में कितने कितने नंबर लाना होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि दोस्तों यहाँ पर कक्षा 12वीं का पेपर पूर्णांक 70 अंकों का रहा तो आपको 70 में से 23 नंबर लाना होगा। यदि दोस्तों आपका पेपर पूर्णांक 75 यहाँ पर रहा तो आपको 75 में से 25 नंबर आपको लाना होगा पास होने के लिए। यदि दोस्तों आपका पेपर पूर्णांक 80 अंकों का रहा तो आपको 80 में से 26 अंक यहाँ पर लाना होगा पास होने के लिए। यदि दोस्तों आपका यहाँ पर पेपर पूर्णांक यहाँ पर 100 अंकों का रहा तो आपको 100 अंकों में से 33 नंबर आपको लाना होगा पास होने के लिए। दोस्तों आपको कक्षा 10वीं और 12वीं में यहाँ पर देख लीजिएगा आपको कितने कितने यहाँ पर नंबर लाना होगा पास होने के लिए। दोस्तों यहाँ पर बहुत आसान है दोस्तों पास होना, आपको कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर 75 में से 25 अंक आपको लाना होगा, 80 में से आपको 26 अंक आपको लाना होगा, 100 अंकों में से आपको 33 अंक यहाँ पर आपको लाना होगा। अच्छे से तैयारी कीजिएगा दोस्तों, आप आराम से यहाँ पर पास हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।